देखना जरा, एकदम मस्त लग रहा है यार ये सब झालर वालर लगा के। अभी जो मैं आपको दिखलाने वाला हूँ ना, वो एकदम भाई अनबिलीवेबल लुक है यार। यहाँ पे जो भी आ रहा होगा ना, वो एक बार जरूर रुक के। हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग में। आज तारीख है भाई, कौन सा तारीख है सोनम? 30। ओह हो, एक्साइटेड? और कितना दिन? बस एक दिन बाकी है भाई, कल, देन उसके बाद परसों अपन चलेंगे घर। मजा आएगा भाई, मजा आएगा एकदम। अभी मैं नहा धोवा लिया हूँ, अभी टाइम मैं आपको दिखाऊँ तो देख लो 7:15 होने वाला है। यार पता नहीं मेरे को खांसी कैसे हो गया। ये देखना जरा व्यू भाई, अभी तो बारिश जैसा मौसम नहीं हो रखा है, लेकिन रात में थोड़ा बहुत बारिश हुआ था, देख लो पूरा भीगा पड़ा है भाई। पानी भर दे ली सुना में ले ले आई, पैसा निकाले बका। अच्छा, ठीक है ले लो। तो भाई अभी टाइम देखो 12:15 हो रहा है, आज मेरा जल्दी ही लंच हो रहा है भाई, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट आज करा नहीं यार कुछ भी। सोचा कि क्या फालतू का कुछ भी लाना है, आज कुछ भी खाने का मन ही नहीं हो रहा था। तो कम से कम 12 बजे तक तो भूखा रह ही सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आज खाने में है दाल चावल, ये करेली का सब्जी, बाकी ये हो गया अपना सैलेड, टमाटर देना इसमें। देखना जरा 2 बज गया यार, मैं सो ही गया था, अभी जाकर नींद खुला भी, पापा भी खाना भी नहीं खाया है यार, बहुत ही ज़्यादा उनको भूख लगा होगा। तो फटाक से चलते हैं यार दुकान। पहले दुकान जाने से पहले मैं ATM आया था थोड़े से पैसे निकालने भाई, महाजन को देना था। और ये देखो, मतलब डस्टबिन है, ATM के अंदर भी लोग बाग थूक देते हैं भाई, पान गुटखा वगैरह, क्या बात है। खैर अपना पैसा आ चुका है। मौसम कैसा हो गया, अभी लग रहा है एकदम शाम हो गया, 5-6 बज गया, लेकिन 5 नहीं बज रहा, बस 4 ही बज रहा है भाई, एकदम बारिश जैसा मौसम बन चुका है। अभी देखो पानी नीचे भराता है ना पीने वाला, तो देना पड़ता है यार, 5 बजे पानी आएगा अपना। अपना नहीं सबका पानी आता है भाई। चल 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 फटाक से चल सोनम, बहन को तो छोड़ा है भाई, सामान छोड़ गया था। अब मैं जा रहा हूँ बजाज के शोरूम में, ये फ़ोन होल्डर है ना, निकलना है ना भाई कल हमें, तो ये वाला कनेक्शन कराना है यहाँ पे। बाकी इसको बैटरी से भी कनेक्शन करा दूंगा, ताकि फ़ोन वगैरह मेरा चार्ज हो सके। उस दिन पूरा दिन ब्लॉगिंग भी करेंगे तो भाई फ़ोन तो डिस्चार्ज होगा ना, चार्ज भी तो होना चाहिए ना। फाइनली भाई बजाज के शोरूम में आ गए, वो वाला कनेक्शन करा लेते हैं। मैंने भाई अपने भाई से बोला कि बढ़िया से खोस दो, ये हजार वाला फिर काम नहीं कर रहा। पता है भाई हंसने लगा, देख रहे हो इसका स्माइल। तो अच्छा खोसने में क्या मतलब, मैंने गलत बोल दिया बताओ ना जरा। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में नहीं बोलते क्या खोसना? अरे ये टेस्टर कौन रखा है भाई? ओ भाई देखना जरा भाई, इसमें ही पड़ा है बहुत दिन से। अरे यार क्या क्या दे देते यार बजाज वाले। बजाज नहीं दिया है, काहे इसका नाम कर तो है? कौन दिया है बताओ ना, मैं थोड़ी ना खोलता हूँ। चलो यार कहीं गलती से आ गया बजाज को, मैं कुछ गलत नहीं ठहरा रहा, चलो फेंक दिया मैंने, सॉरी बजाज। यार ये बाबा तो दिमाग खा गए भाई गाना बजा बजा के, अभी तक मेरा कनेक्शन नहीं हुआ यार, पता नहीं आज कैसे हो गया, काम ही नहीं कर रहा है एकदम से। नहीं हुआ यार मेरा कनेक्शन भाई, खराब है भाई, मेरे को रिटर्न मारना पड़ेगा भाई। 45 मिनट या फिर 1 घंटे तो वेस्ट हो गए मेरा, थोड़ा बाल बाल कटवा लेते यार, बहुत देख रहे हो भूत जैसा लग रहा हूँ मैं। भाई देखना जरा एकदम, मतलब भूत से मैं क्या बन गया, बढ़िया लग रहा हूँ एकदम। टाइम देख लो भाई 6:30 हो गया, मैं सोच रहा हूँ अब घर क्या जाऊँ, बहन को लेते ही घर जाऊँगा, ऐसे फालतू में फिर वहाँ से यहाँ पेट्रोल ज़्यादा लगेगा। इसको ले तो आया, लेकिन इसका फरमाइश हो रहा है कि समोसा ला यहाँ से भाई, अब देखते हैं यार, अगर मान ले अच्छा ना लगा तो फिर क्या कर भी, पैसा यार वेस्ट हो जी भाई। चल चल तब ठीक, भले क्या हो रुक जाओ। हेलो जी, ले तो आया भाई समोसे, गर्मा गर्म एकदम मिल गया। ओहो हो, रोड क्रॉस भी होने में भाई यहाँ पे डर ही लगता है यार, देख रहे हो कितना ये क्रेटा आ रही है भाई, एकदम गर्मा गर्म सोनो मिलल, भले रख ले आराम से, फटाक से चल जाओ। आज तो यार मज़ा आने वाला है, मैं पता है बहुत दिन से सोच रहा था फास्ट फूड ना खाऊंगा, और आज देखो इस बहन ने खिला ही दिया। जरा समोसा दिख रही हो, निकालना एक समोसा निकाल दो भाई, देखना जरा 10 रुपये का एक पीस है समोसा, मतलब कितना छोटा छोटा है यार। क्वालिटी तो ठीक है, लेकिन भाई साइज बहुत ही कम है यार, मैं वहाँ से आज के बाद नहीं खाऊंगा। और उन्होंने मेरे को ये चटनी दिया है भाई, छोला भी नहीं दिया यार, कितना यार यहाँ पे धोखेबाजी हो जाता है। खैर मैं नहाया नहीं भाई, ऐसे ही थोड़ा बहुत धो लिया यार, मैं कल नहाऊँगा, बाल तो कटवा लिया, हालांकि उसने ड्रायर वगैरह मार दिया था तो बाल नहीं लगा है कहीं पर,
टी शर्ट पे थोड़ा बहुत लगा है भाई। मैं जा रहा हूँ दुकान पे, 9 बज गया। क्या खाना बनता? सब्जी, चावल, सलाद। रोटी ना यार, काहे ऐसे भाई? आज यार ये चावल बना रही है और ये देखो लाइट जल रहा है यार। ओ भाई क्या ही बना दिया यार इन्होंने, देखना जरा। ओ भाई, ओ भाई साहब, रुको आगे से लेके चलूंगा भाई, दिखाऊंगा मैं आपको। अभी फटाफट पहले दुकान वगैरह बंद कर लेने दो मुझे, अभी 9 बज गया ना। आते टाइम जब मैं घर आऊँगा ना दुकान से, तो फिर मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा कैसा लग रहा है लाइट वाइट जलाने के बाद। जाती सोनाम जिम में झोला दूध ले लेना। तो अभी आया था यार गैस भरवाने भाई दुकान पे, यार बहन गैस लेके आ गई, गैस ख़त्म हो गया था एकदम से। तो भाई ये गाड़ी इमरजेंसी में लेके आया मन्नू भैया का, पापा लेके चले जाते हैं ना अपना प्लेटिना शाम को घूमने के लिए, तो मन्नू भैया का लेके आना पड़ा ये ओकिनावा भाई प्रेस प्रो। गैस भी ला के फिट कर दिया भाई, बहन को फिट करने आता कि नहीं आता इसीलिए मैंने सोचा कि चलो घर पहले चलते हैं, फिट कर देते हैं, देन उसके बाद दुकान जाएंगे। जिनका गाड़ी लिया है उनको भी भाई काम होगा, फटाफट चलते हैं यार, मेरे को 20 मिनट हो गया आए हुए। खुल जा मेरे भाई, गाड़ी तो लगा दिया भाई। मैंने आप लोगों से बोला था ना कि मैं आपको वो दिखलाऊंगा मंदिर, चलो देखते हैं भाई। मंदिर नहीं यार पंडाल, देखना जरा एकदम मस्त लग रहा है यार ये सब झालर वालर लगा के। अभी जो मैं आपको दिखलाने वाला हूँ ना वो एकदम भाई अनबिलीवेबल लुक है यार। यहाँ पे जो भी आ रहा होगा ना वो एक बार ज़रूर रुक के देख रहा होगा। देखना जरा मैं क्या क्या बोल रहा हूँ भाई, क्या लग रहा है यार एकदम गोल्ड जैसा देख लो, और ये मैच कर रहा है एकदम। ये तो परमानेंट नहीं है लेकिन ये वाला परमानेंट यहीं पे रहता है भाई। जो भी इस रास्ते से गुजर रहा होगा एक नज़र तो ज़रूर जा रहा होगा भाई, इतना प्यारा दिख रहा है ना। ये सब बनावट देख रहे हो भाई, मतलब अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट होने वाला है, काम चल ही रहा है भाई। यहाँ से जाने वाला रास्ता है भाई अंदर में, पीछे से देखो हाथी वाती सब चीज़ दिख रहा है भाई, और ये पेड़ वेड़ सब मैच हो रहा है। तो भाई आपने देख लिया यार, मतलब मैं देखो इस वाले में रहता हूँ, ये सोनम कुमार, बाकी वहाँ मंडाल है, और ये भी रास्ता उधर जाता है, ये भी रास्ता, मतलब चरमोहान पे मैं रहता हूँ एक तरह से कह सकते हो। मज़ा आएगा भाई जब ये पूरा रेडी हो जाएगा ना, और मज़ा आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं भाई, मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में जल्दी ही। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, ज़्यादा तो मैंने ब्लॉग करा नहीं है लेकिन जो करा है वो मैंने आपको दिखला दिया। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए ब्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट।